हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा या फिर कूट भाषा का क्लास 6। जी हाँ, आज हम बढ़ रहे हैं क्लास 6। जी हाँ, आज हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग जो सांकेतिक भाषा या फिर कूट भाषा का जो क्लास 6 होगा, आज हम इसमें आपको बताएंगे जो एक तरफ आपका डिजिट रहता है और दूसरे तरफ क्या होता है तो अल्फाबेट रहते हैं, और इसको किस हिसाब से अरेंज किया जाता है, किस तरह से इसको कूट किया जाता है, आज हम वही सीखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरस्वती महाभागी विद्ये कमल लोचने विद्यारूपि विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। रीजनिंग बाय रीजनिंग गुरु मिश्रा सर। फॉर SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस फोर्स। मोबाइल नंबर 9708543314। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्लास 6 की ओर। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम हिंदी में सांकेतिक भाषा या फिर कूट भाषा कहते हैं, आज हमारा इसका 6th क्लास यानी 6th क्लास है। और इस क्लासेस में हम सीखेंगे जो एक तरफ मेरा अल्फाबेट रहेगा और दूसरे तरफ क्या रहेगा, डिजिट रहेगा। तो दोस्तों, आज ये चीज हम सीखेंगे। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन से यहाँ देखिए, जो यहाँ दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट यानी CAT कैट को 24 और सैड को SAD सैड को 24 लिखा जाए, तो उसी भाषा में सी को SHE सी को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हो जो एक तरफ क्या है तो अल्फाबेट है और दूसरे तरफ क्या है, डिजिट। यहाँ भी अल्फाबेट, यहाँ भी डिजिट, और ये अल्फाबेट दिया है और हमसे क्या मांग रहा है, डिजिट मांग रहा है। तो आज हम यही चीज सीखेंगे। तो दोस्तों, ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो भी SSC में, रेलवे में, बैंक में, या फिर पुलिस फोर्स या फिर राज्य सरकार का जो भी एग्जामिनेशन है उनमें आता है, और ये भी उतना ही आसान है जितना कि हम इससे पहले जो क्वेश्चन बना चुके हैं उतना ही। बस हमको करना क्या है, जो इसका क्या किस कूट में ये जो है, इसको किस कूट में जो है तैयार किया गया है, या फिर इसका क्या सीरीज है, क्या सीक्वेंस है, इस चीज को हमको जो है देखना होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं यहाँ पे, जो यहाँ क्या है। तो यहाँ जैसे कि लिखा गया CAT कैट, तो यहाँ 3 लेटर है और यहाँ क्या है 24 यानी 2 लेटर है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है। तो अब इसका मतलब क्या, जो इसका भी 2 ही होगा। तो आप देख रहे हैं जो एक तरफ मेरा 3 है तो दूसरे तरफ 2 है। तो अब इसी कूट को हमको समझना है, इसी सीक्वेंस को हमको क्या है समझना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ क्या है। तो जैसे कि यहाँ क्या लिखा गया है, कैट, तो यानी CAT कैट। तो यहाँ कैट को कितना लिखा गया है, 24 यानी 24, और यहाँ फिर क्या दिया गया है, सैड, तो सैड को SAD सैड, सैड को भी लिखा गया है 24। अब हमसे मांग क्या रहा है, सी, तो यानी SHE सी का क्या होगा। तो अब आप देखिए दोस्तों, जो एक पल के लिए ऐसा हमको आ जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो कैट को भी 24 और सैड को भी 24 और सी का क्या होगा, तो इसका भी हम लोग 24 हमारे माइंड में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि देखिए ऑप्शन में भी यहाँ बी नंबर मेरा 24 दिया हुआ है, लेकिन ये चीज नहीं होगा। यही आपको क्या होता है, आप उलझ जाते हो एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कुछ एक खास तरीके से बनाया गया। वैसे जो भी क्वेश्चन रहता है कुछ न कुछ में उस एक नया तरीका ही रहता है, लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे जो यहाँ कैट को अगर 24 लिखा गया या फिर यहाँ सैड को भी 24 लिखा गया है तो यहाँ सी को भी 24 ही होगा, तो ऐसा बात नहीं है। तो बस अब हमको उस सीक्वेंस को पता करना है, उस कूट को पता करना है, वो सीरीज निकालना है ताकि इसका आंसर क्या हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ जैसे कैट को लिखा गया है 24, अब एस ए डी सैड को भी लिखा गया है 24, तो एस एच ई सी का क्या होगा। तो अब एक पल के लिए दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, जो एक तरफ हमारा अल्फाबेट और दूसरा तरफ डिजिट होगा, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो ये अल्फाबेट है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ अल्फाबेट यानी कैट है, यहाँ जैसे कैट दिया गया है, यहाँ जैसे सी दिया गया है, तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना है ना, प्लेस वैल्यू पहले हमको मन में सोचना है या निकाल लेना है या लिख करके भी, जैसे भी आप बना, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू को जो है उसके सामने रखो और आपको कहीं ना कहीं आपको आंसर आपको मिल जाएगा, सिर्फ इतना ही करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो जैसे सी, तो सी का कितना हो जाएगा 3, अब ए का कितना होता है 1, और टी का कितना होता है 20। तो अब कहीं ना कहीं हमको इसका आंसर नजर आने लगा है दोस्तों। अब आप देखिए जो यहाँ क्या लिखा गया, टी को 20 है, 20 होता है, और ए का क्या 1, और सी के लिए कितना होता है 3। तो यानी अब अगर इस सबको हम ऐड कर दे यानी जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 3, 1, 4 और 20 कितना, यह 24 हो जाएगा। तो मेरा आंसर एकदम आ गया है। तो उसी वही तरीका से हम क्या करते हैं, तो एस ए डी सैड के लिए भी देखते हैं, जो यहां मेरा क्या हो जाएगा, एस के लिए मेरा क्या हो जाएगा, अब यहां मेरा एस जो है एस का देख लेना है और क्या करना है, तो हमारा मतलब एस यहां दिया गया है, एस के लिए भी एस का प्लेस वैल्यू को जोड़ना है, ए का प्लेस वैल्यू को जोड़ना है, और डी का प्लेस वैल्यू को हमको जो है जोड़ना है। तो आइए दोस्तों देखिए यहां हमारा एस के लिए क्या आ जाएगा 19, और ए का क्या हो जाएगा 1, और डी का कितना हो जाएगा 4। तो अब हम देख रहे हैं कि सबको अगर जोड़ते हैं कैट की ही तरह, तो 19, 1, 20 और 4, 24, ये भी मेरा सही हो जाता है। तो अब हम जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं वो चीज हमारा एकदम आ जाएगा। जैसे कि यहां हम देखें सी का 3 है प्लेस वैल्यू, ए का 1 और टी का 20, तो इस सबको अगर जोड़ते हैं तो मेरा 24 आ जाता है। उसी तरह एस का 19 और ए का 1 और डी का 4, इस सबको जोड़ेंगे तो मेरा 24 आ जाता है 24। तो अब हम वही करेंगे, क्या करेंगे, तो सी के लिए जो हमसे यहाँ पूछा गया है तो हम उसमें क्या करेंगे, तो इसका जितना एस का प्लेस वैल्यू, एच का प्लेस वैल्यू और ई का प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ एस का क्या हो जाएगा 19, और एच का कितना 8 हो जाएगा, और ई का कितना हो जाएगा 5, ई का 5 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख लो जो यहाँ कितना हो जाएगा 19, और यहाँ 8, और यहाँ कितना है 5। अगर इस सब को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 19, 1, 20, 7, 27 और 3, 30 और 2, यहाँ कितना हो जाएगा 32। तो यानी इस सब को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 32। यानी अब जो मेरा ये आंसर निकलेगा सी का वो क्या हो जाएगा 32, यानी 32। अब अगर हम 24 इसका आंसर कर देते तो ये चीज मेरा गलत हो जाता। क्यों, मान लीजिए 24 यहाँ दिया हुआ है सेम आंसर, लेकिन यहाँ सेम लेटर नहीं ना है, सिर्फ एक लेटर यहाँ मिल रहा है ए, तो अब इसका मतलब 24 हो जाएगा, तो सी में भी तो मेरा एक लेटर मिलना चाहिए कम से कम, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं मिल रहा है। यहाँ कम से कम यहाँ एस मिल रहा है, एस मिल रहा है, तो फिर देखिए पहला वाला में कैट में कहीं ऐसे नहीं मिल रहा है। तो अगर आप कुछ ये सीक्वेंस लगाते हो, जैसे कि कैट का 24 है तो सैड का 24 है तो सी का 24 होगा, तो कुछ ना कुछ आप तरीका लगाओगे, जैसे यहाँ ए मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है सी में, लेकिन सैड में, तो सी में कहाँ ए है, मान लीजिए 24 करेंगे तो कुछ ना कुछ तरीका तो हम जो है लगाएंगे।
फिर अगर हम यहां देखते हैं सी में मेरा एस आ गया और सैड में एस आ गया तो ए में कहा मतलब कैट में कहा है मेरा एस। तो ऐसा नहीं होगा जो आप ये आपको क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से रहता है जिसको आप क्या करो जो आप एकदम उलझ जाओ। लेकिन हमें उलझना नहीं है, हमें क्या करना है उसका एकदम कूट पता करना है, सीक्वेंस पता करना है, सीरीज पता करना है। और जैसे कि हम यहां कर रहे हैं जो सारे का प्लेस वैल्यू निकाले और इसको क्या कर दिए ऐड कर दिए जोड़ दिए और मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो अब देखिए जो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया 32। तो अब आप देखिए जो यहाँ पे क्या 33 24 32, ये सी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बस यही तरीका हमको लगाना है, जब एक तरफ हमको डिजिट मिले और दूसरे तरफ हमको अल्फाबेट मिले तो सबसे पहला काम क्या करना है तो हमको उसका क्या करना है प्लेस वैल्यू लिखना है और प्लेस वैल्यू के बाद हमको जोड़ घटाव जो है करना है। बस आप देखिए आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और इस 2 में मेरा क्या सीरीज कहता है, क्या सीक्वेंस है, क्या तरीका है, यही चीज को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEEP को 60 यानी 60 और रैबिट RABIT रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर HAIR हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों उस पहले तो जिस तरह यहाँ मेरा कैट था या सैड था उसी तरह से मेरा यहाँ भी दे रहा है। तो बस हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमको अपना वही जो है सबसे पहले सबका हम क्या करेंगे प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अपना तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मेरा क्या है दीप, तो दीप को कितना 60 लिखा है। तो यहाँ देखिए DEE और P इसको कितना 60 लिखा गया है 60 और उसी तरह रैबिट को फिर यहां लिखा गया है कितना रैबिट RABIT रैबिट को यहां कितना लिखा गया है 100 100 और हमसे पूछ क्या रहा है हेयर HAIR हेयर हेयर का क्या होगा। तो बस अब हमको करना कुछ नहीं है, बस पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे जो सारे का सारे पहले क्या करेंगे प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद देखिए जो आंसर हमको जो है खुद ब खुद आ जाएगा। तो आइए देखिए जैसे यहाँ डी का कितना हो जाता है 4 और ई का 5 फिर ई का 5 और पी का कितना हो जाएगा 16। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों जो अब इसको हम क्या करेंगे तो इसको सबसे पहले हम ऐड करते हैं। तो ऐड अगर हम करते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 5 10 10 10 20 और 20 और 26 और 4 इतना की जो है कितना हो जाएगा 30। तो इस सब को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 30। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे दोस्त तो यहां मेरा कितना आ जाएगा 60। तो अब देखिए जो इसमें तरीका मेरा क्या आ रहा हो जो है तरीका क्या हो मतलब हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां जो मेरा क्वेश्चन दिया गया जो इस कैट वाला में जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था सिर्फ प्लेस वैल्यू को क्या किया था जोड़ के एकदम लिख दिया था ऐड करके लिख दिया था। लेकिन यहां दूसरा क्वेश्चन में क्या किया जो डी का जैसे 4 प्लेस वैल्यू था ई का यहां 5 फिर ई का यहाँ 5 और पी का कितना हो जाएगा 16। अगर इस सब को जोड़ते हैं तो कितना 30 यानी 30 आता है। और इसमें इसके अलावा काम क्या कर रहा है 2 से गुना कर रहा है यानी 30 30 60 यानी इसमें 2 से गुना कर देगा तो वो 60 हो जाएगा और तब जाके इसको यहाँ क्या लिखा 60 यहाँ पे क्या लिखा गया है 60। अब उसी तरह से हम आगे देखते हैं जो मेरा क्या है RABIT। तो अब मेरा आर का जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है ए का बी का और आई का फिर टी का। तो इस सबको हमको क्या करना है जो मतलब एक तरीका से हमको चलना है जो है तरीका जिस तरह से एकदम जोड़ करके यहाँ कहा गया है। तो अब देखिए तो आर का कितना हो जाएगा 18 यानी 18 ए का कितना हो जाएगा 1 और बी का कितना हो जाएगा 2 और आई का 9 और टी का कितना हो जाएगा 20। अब हम इस सबको जोड़ेंगे तो 18 2 20 और 9 1 10 कितना हो जाएगा 30 और यहाँ कितना हो जाएगा 20 50।
तो अगर ये 50 हुआ तो इसमें 2 से गुना करते हैं तो 100 तो मेरा आ जाता है 100। तो बस यही चीज है, अब हमको इनका सीरीज पता चल गया, इसका कूट यानी सीक्वेंस अब हमको पता चल गया है। तो अब हम देखिए, जिस तरह डी का 4 था, ई का 5, फिर ई का 5, पी का 16, 4, 5, 9 और जो है 4, 5, 9 और 9 पर 14 और 16 यहाँ 30 हो गया और उसमें 2 से गुना किया तो ये कितना 60 हो गया। उसी तरह आर ए बी आई टी रैबिट, रैबिट का आर का 18, ए का 1 और बी का 2, आई का 9 और टी का 20, इस सारा को जोड़ा गया 18, 19 और 2, 21, 9 और 20 यानी टोटल कितना 50 और यहाँ 50 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया 100। तो अब उसी तरह से हेयर का भी प्लेस वैल्यू लिख देना है, जोड़ करके 2 से गुना कर देना है, मेरा आंसर जो है आ जाएगा। तो अब आप देखिए जो यहाँ H का क्या हो जाएगा, H का 8 होता है, A का 1 होता है, I का 9 और R का यहाँ 18 हो जाएगा। तो अब आप इस चीज को जोड़िए जो कितना 8, 1, 9 और 9, 9 कितना होता है 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, इसमें 2 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 72 यानी 72, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो अब देखिए जो अब ये 72 कितना है, यहाँ 27 है, 2 नंबर में है 72, बाकी को चेक ही नहीं करेंगे, ये 72 मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब हम पहले क्वेश्चन के अपेक्षा दूसरे क्वेश्चन में क्या सीखे हैं दोस्तों, जब पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो सिर्फ प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा जा रहा है और दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो प्लेस वैल्यू को ऐड करके 2 से गुना किया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों जो तीसरे क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस है और क्या सीरीज है, जो तीसरा क्वेश्चन जो मेरा है उसमें किस तरह का सीक्वेंस है, क्या सीरीज है और उसका क्या पैटर्न है, यही चीज को हमको देखना है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैड CAD कैड को 64 तथा BAD बेड को 21 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में SAT सेट को क्या लिखा जाएगा। तो बस हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हम प्लेस वैल्यू को पहले क्या करेंगे लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे या तो जोड़ के लिख रहा है कि गुना करके लिख रहा है या आगे क्या मेरा पैटर्न हो रहा है, बस उस चीज को समझेंगे। लेकिन पहला काम क्या है, जो सारे का हमको क्या करना है, जो प्लेस वैल्यू हमको लिखना है, जो प्लेस वैल्यू क्या है। तो अब देखिए यहाँ क्या कैड को कितना लिखा 64, तो CAD कैड को यहाँ कितना लिखा 64। अब हम आगे देखते हैं BAD बेड, BED तो बेड को यहाँ कितना लिखा 121। अब यहाँ SAT सेट के बारे में हमसे पूछ रहा है तो अब हम देखेंगे दोस्तों, बस हमको कुछ नहीं करना है, वही करना है सीधा, हम इसका क्या करेंगे प्लेस वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे और देखेंगे क्या है। तो सी का यहाँ कितना हो जाएगा 3, ए का 1 और डी का कितना हो जाएगा 4। तो अब अगर इस सब को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 का अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 यानी 8, 8, 64 होता है, 8, 8, 64 होता है। तो अब हम देखिए 3, 1, 4 और 4 कितना होता है 8, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 64 मेरा आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, जो पहला क्वेश्चन मेरा क्या था तो सिर्फ प्लेस वैल्यू को जोड़ करके लिखा गया था, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था जो प्लेस वैल्यू को जोड़ करके गुना किया गया था 2 से, अब तीसरा क्या है तो प्लेस वैल्यू को जोड़ करके स्क्वायर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों आइए देखते हैं, तो अब यहाँ बी के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ई के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और डी का कितना होता है 4 हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसका क्या हो जाएगा 5, 2, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 होना ही है
इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमसे सैट मांग रहा है या सीएटी सैट का हमसे पूछा जा रहा है जो क्या होगा। तो अब एस का कितना हो जाएगा, अब एस का मेरा होता है 19 और ए का 1 और टी का कितना हो जाएगा 20। तो अब देखते हैं जो 19 एक 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। तो 40 40 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, तो यानी कितना हो जाएगा 1600 1600 मेरा ये हो जाएगा। तो बस अब आप पैटर्न समझ में आपको आ गया होगा जो यहाँ क्या कर रहा है। तो आंसर देख लीजिए, यहाँ 6100 है नहीं होगा, यहाँ 400, यहाँ 1250 डी में, यहाँ मेरा 1600 है, यानी अब बाकी अब जो है यही मेरा 1600 हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये जो मेरा एक अल्फाबेटिकल वाला था, जो एक तरफ अल्फाबेटिकल है और दूसरे तरफ क्या है डिजिट है, तो उसमें सबसे पहला काम हमको यही करना होता है दोस्तों, जो सबसे पहले आप उसका प्लेस वैल्यू को जो है लिखिए या प्लेस वैल्यू को सोचिए, यानी प्लेस वैल्यू में ही क्या करेगा, तो कभी जोड़ करके लिख देगा या फिर कभी गुना करके लिखेगा, हो सकता है कभी भागा करके दे या कभी स्क्वायर कर दे या क्यूब कर दे। तो बस प्लेस वैल्यू में ही वो क्या करेगा, जोड़ घटो गुना भागा स्क्वायर क्यूब करेगा और बस यही रहेगा उसका आंसर। तो दोस्तों ये तो मेरा हो गया, और कभी कभार ये तो एक तरफ मेरा अल्फाबेट और दूसरे तरफ डिजिट का क्या था, तो जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब में था। अब कभी कभार क्या होता है, इसी एक तरफ अल्फाबेट और दूसरे तरफ क्या होता है मेरा डिजिट होता है, तो उसमें और कुछ ना कुछ हमारा चेंजिंग मतलब किया जाता है। तो आइए देखते हैं जो वो क्वेश्चन मेरा कैसा है, उसका क्या पैटर्न है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे और फिर वो क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की और अगले टैब के। तो अब जो इससे पहले जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या था, जो प्लेस वैल्यू को जोड़ करके या तो उसको जोड़ दिया जाता था या फिर 2 से गुना किया था या फिर स्क्वायर था। हाँ, अब कभी कभार ऐसा भी होगा उसमें भागा भी दिया जाएगा या क्यूब भी होगा, तो एक तरीका ये था। और अब एक तरीका वही होता है जो एक तरफ अल्फाबेट और एक तरफ जो मेरा डिजिट रहता है उसका एक जो और भी जो एक नए तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से जो यहाँ मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो इस क्वेश्चन का क्या सीक्वेंस होता है, क्या सीरीज होता है और इसको किस कूट में सजाया गया है। तो आइए दोस्तों तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल ORAL को 3196 लिखा जाए तो उसी भाषा में रिटन WRITN को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बस हमको इसमें करना कुछ नहीं है, वही जैसे हम करते आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे और प्लेस वैल्यू के बाद ही हम पता करेंगे जिसका क्या सीक्वेंस है, क्या कोड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यहाँ लिखा गया ORAL, तो ORAL, तो ORAL को यहाँ क्या लिखा गया है 3196 और हमसे मांग क्या रहा है रिटन WRITN। तो यहां रिटन का हमसे जो है मांगा जा रहा है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ हम वही करेंगे जो यानी प्लेस वैल्यू को सबसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे जो ऐड करके लिखा गया है या फिर गुना करके लिखा गया है तो यहाँ क्या लिखा गया है, सिर्फ हम उसी को देखेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे अब क्या होता है ओ, तो ओ का यहाँ क्या हो जाएगा 15, आर का यहाँ पे क्या होता है 18 और ए का यानी 1 और एल का क्या होता है 12। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो उस तरह का तो हमको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब जरूर उसमें कुछ ना कुछ नया किया गया है, नया तरीका लगाया गया। अब वो नया क्या है, तो दोस्तों एक बार इसको ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ क्या लिखा गया ORAL, तो ORAL को 3196 लिखा गया,
यानी ओ आर ए एल को 3196 लिखा गया। तो मैंने कहा था जो उसका प्लेस वैल्यू को सबसे पहले आप लिखो, उसके बाद देखो जो क्या है। तो प्लेस वैल्यू यानी ओ का 15, आर का 18, ए का 1 और एल का 12। तो अब हम देख रहे हैं जो एक भी मेरा यहाँ मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम जैसे कि यहाँ अगर इस सारे प्लेस वैल्यू को देखें तो यहाँ 2, 4, 4, 1, 5, 2, 7, तो यहाँ कितना 4 ही है, तो नहीं आ रहा। तो अब हम जरा यहाँ सोचते हैं, तो जैसे ओ को 15 लिखा, तो यानी अगर इसके प्लेस वैल्यू ये 2, मतलब ये प्लेस वैल्यू जो 2 अंक में है, 2 अंक में अगर उसको हम 1 अंक बना दे तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको भी समझ में आने लगेगा जो अगर इस ये जो 2 अंक में लिखा गया है 15 यानी 1 और 5, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। ये 2 अंक में है 1 और 8 यानी 18, इसको 1 अंक बनाएंगे, सिंगल डिजिट बनाएंगे, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 9। ये 1 का 1 ही रह जाएगा, और ये 12 है यानी 2 अंक में है, इसको सिंगल डिजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1 और 2 यहाँ पे 3। तो अब देखते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं मेरा जो है इससे मैच करने लगा है। तो अब यहाँ हमको 6 मिल गया है, यहाँ 9 मिल गया है, यहाँ 1 मिल गया है और यहाँ 3। तो जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं यानी फर्स्ट से यानी आगे से, लेकिन यहाँ मेरा आंसर कैसे किया गया पीछे से यानी लास्ट से किया गया। तो बस अब हमको वही तरीका इस रिट में लगा देना है। क्या तरीका लगाना है, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे तो लिखेंगे, और जहां डबल डिजिट होगा उसको सिंगल डिजिट कर देंगे, यानी 2 अंकों को हमको 1 अंक बना करके लिख देना है, बस हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों यहां W का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23, R का कितना 18, और यहां I है तो I का 9, T का यहां 20, फिर यहां T था 20, E का 5 और N का कितना हो जाएगा 14, तो 14 हो जाएगा। तो बस अब जो जो मेरा डबल डिजिट में है यानी डबल डिजिट में है उसको क्या करना है, सिंगल डिजिट यानी 1 अंक में उसको हमको बना देना है। तो बस अब हम वही काम करेंगे। तो जैसे यहाँ क्या 23 है, 23, तो ये मेरा 5 हो जाएगा, 2, 3, 5। अब यहाँ 8 है यानी 18 है, तो 8, 1, 9, ये भी मेरा 9 हो जाएगा। अब 2, 0 यानी 20 है, तो 2, 0 तो ये 2 ही होगा, ये 2, 0 है यानी 20 है तो ये 2 भी होगा, ये 5 का 5 ही, और फिर 14 तो 4, 1, 5, तो अब यही मेरा हो जाएगा आंसर। जी हाँ, यह आंसर अब मेरा क्या हो गया, तो 5, 9, 9, 2, 2, 5, 5। तो बस अब मेरा आंसर जो है, अब हम ये चीज को हम देख रहे हैं जो अब इसमें यहाँ मेरा क्या किया गया, तो अब ये तो मेरा निकाल दिए है, लेकिन इस तरह से मेरा नहीं था, इस तरह से नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ 6913 मेरा है नहीं है, अब इसको पीछे से लिख दिया गया है, तो हम भी यहाँ से इसको एकदम पीछे से हम लिख देंगे, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज मेरा नहीं, क्यों, क्योंकि जस्ट लाइक जो ऑर्डर फॉलो इसमें किया गया है, जिस प्रकार हमको यहाँ ऑर्डर को यहाँ लिखा गया है, ये उसी तरह से हमको यहाँ रिटर्न को भी लिखना होगा। और ये चीज मेरा क्या किया गया, तो यहाँ 6 है तो ये पीछे से मेरा 6 है, ये 9 है तो यहाँ है, और यहाँ 1 तो 1 यहाँ है, यहाँ 3 तो यहाँ मेरा क्या है 3 है। तो अब डायरेक्ट ऐसे नहीं हमको लिख देना है, ये पीछे से, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 5, 5, फिर 2, 2, फिर 2, 2, और फिर क्या हो जाएगा 9, 9, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 5। तो अब ये मेरा आंसर होगा दोस्तों, अब ये मेरा क्या होगा, अब ये मेरा आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा, तो 5, 2, 9 और 5। तो अब हम इसको मैच करते हैं आंसर से, तो जैसे यहाँ देखिए 5, 5, 2, 2, 9, 9, 5। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन मेरा सही है, बाकी को हमको चेक ही नहीं करना है। तो बस यही सिक्वेंस होता है, क्या होता है, तो वो कभी कभार क्या करता है, तो जैसे कि कभी कभार वहां देखिए जो पिछले क्वेश्चन में मेरा क्या था, तो वहां प्लेस वैल्यू को सिर्फ जोड़ करके लिख दे रहा जा रहा था, उसके बाद क्या क्या प्लेस वैल्यू में गुना करके लिख दिया 2 से, हो सकता है 2 की जगह 4 से भी गुना करे, 6 से भी गुना करे, या जोड़ने की जगह घटा भी दे, अब जितना से घटाए, अगर जैसे स्क्वायर किया था तो स्क्वायर की जगह क्यूब भी कर सकता है,
तो बस यही चीज, या फिर भागा भी कर दे, कुछ भी कर दे। तो अब लेकिन यहाँ क्या मिला, तो यहाँ क्या मिला, जो मेरा यहाँ था, जैसे कि ओरल को लिखा 3196, तो सबसे पहले क्या किया, तो जो भी मेरा डबल डिजिट था, जैसे यहाँ ओ के लिए क्या था 15, तो यानी 56, तो ये डबल डिजिट को क्या किया, सिंगल डिजिट यानी दो अंक को एक अंक बना करके लिख दिया। और वो भी कैसे लिखा, तो पीछे से लिखा, जो है पीछे से लिखा। तो जस्ट लाइक हम लोग भी वही काम किए जो रिटन का, जैसे W का 23, R का 18, I का 9, T का 20, फिर T का 20, E का 5 और N का 14, इन सब को सिंगल डिजिट बना दिए। 4 1 5, यहाँ 5 2 0 2 2 0 2, 9 का 9, 8 1 9 और 3 2 5, इसको तो सिंगल डिजिट बना दिए। अब इसको पीछे से यानी उल्टा दिए, तो इधर से मेरा हो जाएगा आंसर और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बस, तो अब यही पैटर्न, यही सीक्वेंस को आपको क्या है, समझना है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब इस 2 क्वेश्चन नंबर में मेरा क्या सीरीज है, क्या सीक्वेंस है, इसको हमको पता करना है, और ये किस तरह से अरेंज है, यही हमको जो है देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मेरा है, जो यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोबाइल MOBILE को 462935 लिखा जाए, तो उसी भाषा में नेटवर्क NATWORK को क्या लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं जो कुछ बड़ा बड़ा मेरा वर्ड है, तो बड़ा बड़ा है तो आप रहने दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा से नहीं, बस हमारा सीक्वेंस और सीरीज वही होगा जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका क्या सीरीज है, यानी मोबाइल MOBILE मोबाइल को यहाँ क्या लिखा गया है, तो 4629, यहाँ हम लिख देते हैं 4629 3535, ये मेरा मोबाइल को लिखा गया। और हमसे मांग किसका रहा है, नेटवर्क, तो NETWORK, तो अब यहाँ नेटवर्क के लिए मेरा क्या हो जाएगा। तो बस हमको भी यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा हम क्या करेंगे, एकदम जैसे कि जो भी मेरा यहाँ दिया गया है उसका हमको सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और उसको देखेंगे जो सिंगल को डबल बनाया है या फिर प्लस माइनस स्क्वायर कुछ भी किया गया है, यही चीज। तो सबसे पहला काम क्या है, आप उसको यानी इसके प्लेस वैल्यू को आप सबसे पहले जो है लिखो या सोचो, जैसे भी आप बनाते हो बस वही करना है हमको। तो यहाँ M, तो यहाँ मोबाइल है, तो मोबाइल को यहाँ 46 29 35 लिखा गया है, तो यहाँ M का क्या हो जाएगा, तो यहाँ M के लिए क्या है 13, क्योंकि N का 14 होता है। अब यहाँ O का क्या हो जाएगा 15, B का 2 और I का 9, L का 12 और E का 5। तो अब हम देख रहे हैं जो यहाँ मेरा 5 है, यहाँ 2 1 3, यानी इसको क्या किया, सिंगल डिजिट बना दिया डबल से, या 9 का 9 ही 2 का 2, यहाँ देख रहे हैं वही चीज है, 15 है तो यानी 5 1 6, इसको सिंगल किया 3 1 4। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों जो इस क्वेश्चन में क्या किया, जिस तरह से यहाँ मेरा इस पहला क्वेश्चन में ओरल को क्या किया था, जो डबल डिजिट को सिंगल करके उसको पीछे से लिखा गया था, तो उसी तरह इस क्वेश्चन में क्या किया गया है ना, तो डबल डिजिट को तो सिंगल किया ही गया है, लेकिन पीछे से यहाँ नहीं किया गया, यहाँ डायरेक्ट उसी तरह से आगे से ही अरेंज अपना कर दिया गया है। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं जो मोबाइल, यानी M का 13, O का 15, B का 2, I का 9, L का 12 और E का 5 किया, उसी तरह यानी यहाँ 13, तो 3 1 4 15, यानी 4 1 5, यानी 6, मतलब 1 और 5 यानी 6, B का 2 और I का 9, ये तो सिंगल में ही है, उसके बाद यानी 12, यानी 1 और 2 3 और ये 5, ये तो सिंगल में ही है। तो अब देखिए 4 6 या 6 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 9 और यहाँ 3 यहाँ 5। तो अब यहाँ यानी सिंगल को तो डबल यहाँ बना दिया, दो अंक को एक अंक में कर दिया, लेकिन यहाँ पीछे वाला बात नहीं, यहाँ जैसे था सेम वैसे ही पुट कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम भी वैसे कर देंगे। तो अब यहाँ क्या है, तो अब यहाँ देखिए, तो N का कितना हो जाएगा 14, E का कितना हो जाएगा 5, T का 20 और W का कितना हो जाएगा 23 23, O का 15, R का 18 और K का कितना हो जाता है 11। तो बस
अब हम इसको क्या करना है, तो सिंगल को डबल यानी दो अंकों को एक अंक बना के और वही वैल्यू को पुट कर देना है, मेरा आंसर एकदम हो जाएगा। तो यही काम हम भी करेंगे। तो जैसे यहाँ एक चार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पांच, ये पांच मेरा सिंगल है ही, बीस है तो दो जीरो दो, यहाँ दो और तीन तो ये पांच, और ये कितना है एक पांच यानी छह, और यहाँ क्या है एक आठ यानी नौ, और यहाँ एक एक यानी दो। तो अब ये मेरा हो गया आंसर, क्यों, क्योंकि इसमें आगे पीछे वाला बात नहीं है। तो आंसर अब मेरा देख लो जो कितना, फाइव फाइव टू फाइव, तो देखिए फाइव टू यहाँ है नहीं, फाइव फाइव सिक्स टू यहाँ भी नहीं है, फाइव फाइव सिक्स फाइव ये भी नहीं है, फाइव फाइव टू फाइव सिक्स नाइन टू सिक्स नाइन टू, जी हाँ ये डी नंबर ऑप्शन मेरा एकदम सही हो जाता है। जिस तरह से यहाँ नेटवर्क के लिए, जी हाँ यह नेटवर्क का यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, तो डबल फाइव टू फाइव सिक्स नाइन टू। तो बस अब हमको यही चीज इसमें देखना है, जो पहले क्वेश्चन में जिस तरह से यहाँ हमको ओरल को क्या किया गया था, तो डबल डिजिट को सिंगल तो बनाया ही था और साथ ही उसको पीछे से, लेकिन इस मोबाइल को जो लिखा गया 462935, तो उसमें क्या किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ डबल डिजिट को सिंगल किया गया, यानी दो अंक को क्या किया गया एक अंक में बना करके और उसी तरीका से एकदम लिख दिया गया। तो अब हमसे नेटवर्क का जो पूछा, जो यहाँ डी नंबर में जो है डी नंबर मेरा आ रहा है ऑप्शन, तो बस यही हमको करना होता है दोस्तों। अब आप देख रहे हो जो कभी कभार क्या करता है, तो डबल को तो सिंगल बनाता ही है, तो कभी पीछे से लिख देता है, कभी उसी तरह से एकदम छोड़ देता है। अब हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन का मेरा क्या सीक्वेंस है, क्या सीरीज है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर तीन अब मेरा क्या कह रहा है और इसका क्या सीरीज है और क्या सीक्वेंस है, ये चीज हम जो है हम जो देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं यह क्वेश्चन नंबर तीन, जो यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडियन आई एन डी आई ए एन इंडियन को 945984 लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को क्या लिखा जाएगा। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, वही जैसा हम करते आ रहे हैं वही चीज हम करेंगे और हमको कुछ नहीं करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो यहाँ इंडियन यानी आई एन डी आई ए एन इंडियन को यहाँ क्या लिखा गया है, तो 945984। तो बस हमको भी वही करना है जो पहले प्लेस वैल्यू एकदम इस तरह के क्वेश्चन में करते आए हैं, सीधा प्लेस वैल्यू एकदम लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे जो डबल को सिंगल बनाया है आगे पीछे क्या सीक्वेंस है ये करेंगे, और फिर उसी तरह से हमको क्या करना है अगला, यानी इस इंडियन का जो सीरीज है वही सीरीज हमको आर्मी में कर देना है बस। तो अब देखिए यहाँ आई के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, नौ नौ, और यहाँ क्या है एन का क्या हो जाएगा, चौदह चौदह, और डी का कितना हो जाता है चार, फिर आई का नौ और ए का कितना हो जाएगा वन, और फिर एन का कितना चौदह हो जाएगा। तो अब आप देखिए दोस्तों, जो इसको अगर हम डबल करते हैं तो ये तो मेरा नहीं आ रहा है, नौ का नौ आ गया, लेकिन इसको सिंगल चार एक पांच बनाते हैं तो यहाँ तो चार है, यहाँ चार की जगह पांच है, यहाँ नौ है, यहाँ एक है, यहाँ तीन एक चार एक पांच, ये चार है। तो अब आप सोचिए दोस्तों, जो ये जो मेरा डिजिट है, इस डिजिट में कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ एक अलग तरीका यहाँ पे जो है लगाया गया है। इससे पहले यहाँ जो भी मेरा क्वेश्चन था जो ओरल को जिस तरह से लिखे थे, डबल डिजिट को सिंगल करके लिखा था वो पीछे से, यहाँ मोबाइल को क्या किया गया, तो डबल को सिंगल बना के उसी तरह से, लेकिन यहाँ इंडियन को जो ये 945984 लिखा गया है, तो वो मेरा डबल को सिंगल करने से भी नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जरूर ना कुछ और बात, एक स्टेप और लिया होगा इसमें, एक स्टेप और ये लिया होगा, और ये क्या तरीका किया गया है आइए दोस्तों ये देखते हैं। जो इसमें एक स्टेप और जो वो बढ़ गया है, तो वो स्टेप क्या है उस चीज को खोजते हैं। तो अब दोस्तों एक पल के लिए ये सोचिए, जो आई का उल्टा क्या होता है आर, आई का उल्टा आर, तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं आर, और एम एन का उल्टा एम होता है, और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, और फिर आई का आर हो जाएगा, ए का जेड, और एम का कितना हो जाए एन का क्या होता है एम होता है। तो अब आप दोस्तों
मतलब आप इस समझने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को, जो यहाँ सबसे पहले हम जो जिस तरह वैल्यू था जिसका वो पुट किए, डबल को सिंगल बनाए तो फिर भी मेरा फर्क नहीं पड़ा, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट देखते हैं। जो आई का अपोजिट आर, यानी हम जो क्रीम दिए थे आपको इंडियन रेलवे, एम का एम यानी मिश्रा निशाकांत, डी का डब्ल्यू यानी दिल्ली वाली, और आई का फिर आर इंडियन रेलवे अब्दुल कलाम जिंदाबाद, ए का जेड और एम का एम यानी मिश्रा निशाकांत। तो अब आप देखिए दोस्तों जो इसमें क्या तरीका निकाल गया, तो अब अगर आर का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 18। अब आर का अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 18 यानी 18। तो हम कुछ यहां पे लिख देते हैं इसी के नीचे में, जो R का अब कितना हो जाएगा 18 18, उस तरह से M का कितना हो जाएगा 13 13, और W का कितना होता है 23 होता है, और R का फिर कितना 18, और Z का कितना हो जाएगा 26 26, और M का कितना हो जाएगा 13 13। तो अब आप दोस्तों यानी इस उसके अपोजिट के प्लेस वैल्यू को जो डबल है अगर उसको सिंगल कर देंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। अब आप खुद देख लो जो ये मेरा आंसर आता है क्या नहीं, यहाँ है 1 8 तो यानी 9 हो गया, 1 और 3 यानी 4, 2 और 3 यानी 5, और 8 1 9 यानी ये 1 और 8 यानी यहाँ क्या हो जाएगा 9, 2 और 6 यानी 8, और 1 और 3 यानी 4। तो अब इस क्वेश्चन में जो एक स्टेप और बढ़ा था, क्या बढ़ा था, जो सबसे पहले जो मेरा वो प्लेस वैल्यू तो हम लिख ही रहे हैं उसको, उसके बाद क्या किया, तो उसको डबल तो क्या किया, डबल तो किया, लेकिन डबल करने से पहले क्या किया, तो जो भी मेरा जैसे कि यहां मेरा इंडियन था तो इसका अपोजिट रिवर्स हो गया, जैसे आई का आर, एम का एम, आई का फिर आर, ए का जेड, एम का एम, डी का डब्ल्यू, तो बस और उसके अपोजिट को डबल डिजिट से सिंगल डिजिट किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख लीजिए जो आई का आर है तो आर का कितना है 18, तो अब इस डबल को क्या किया, सिंगल किया गया। एम का एन का एम है, एन का एम है तो यहाँ पे क्या किया गया, तो 14 मतलब जो है एम का कितना था 13, तो 13 को यहाँ 1 3 यहाँ 4 बना दिया। डी का डब्ल्यू होता है उल्टा, तो यानी डब्ल्यू का 23, तो 3 2 5, तो अब यहाँ 5 किया गया। यहाँ कितना है आई का आर यानी 18 यानी 1 और 8 यानी 9, या ए का क्या होता है जेड, तो जेड यानी 26 यानी 2 और 6 कितना 8, और एम का क्या एम यानी 1 और 3 यानी क्या हो गया 4। तो बस अब वही एक स्टेप क्या था, तो इनके रिवर्स को जो है डबल किया गया था। तो कभी कभार कुछ क्वेश्चन घुमाओ भी रहता है, और उस चीज को भी है हमको जो है देखना जो है होता है। तो अब हम देख रहे हैं जो यहाँ मेरा अब यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ हमसे क्या पूछा गया है आर्मी का, तो आइए आर्मी का हम क्या करते हैं, ए आर एम वाई आर ए। तो सबसे पहले आर्मी का जैसे ए का मान लीजिए 1 हो जाएगा, आर का कितना 18, और एम का 13, और वाई का कितना 25 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, इसके रिवर्स को हमको जो है करना होगा। तो अब जैसे क्या, तो ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ जेड, और आर का कितना आई, और एम का एन होता है, और वाई का कितना हो जाएगा बी। तो अब आप देखिए यहाँ जेड का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 26, और आई का कितना 9, और एम का कितना 14, और वाई का बी होता है तो बी का कितना हो जाएगा 2। तो अब इसको हमको सिंगल बना देना है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, ये तो सिंगल है ही 9, और यहाँ 1 4 कितना हो जाएगा 5, और ये 2 का 2, तो अब ये मेरा आंसर हो जाएगा 8 9 5 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो 8 5 है गलत हो गया, 8 9 5 2, जी हाँ ये बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों कभी कभार कुछ स्टेप हमको, एक दो स्टेप वो आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ हमको नया होता है, और इसी वजह से हम क्या होते हैं उलझाओ, लेकिन हम उसको जरा सोचेंगे ध्यान से, इसीलिए हम आपको इतना तोड़ तोड़ के इतना पार्ट वाइज टुकड़ा टुकड़ा करके बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में एकदम बढ़िया से सेट हो जाए। एक बार आप देख लीजिए जो इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, तो इसका जो रिवर्स लिया गया था रिवर्स, और रिवर्स को क्या किया था, उसके प्लेस वैल्यू को डबल से सिंगल किया गया था, बस यही इसमें काम किया गया था। तो दोस्तों आज जो हमारा ये क्लास 6 है वो क्लास 6 यहीं तक रहेगा,
क्लास सेवन में हम चलेंगे, इससे जो अगले टैब होता है आगे आगे टैब वाला जो कोडिंग रिकॉर्ड उसमें भरेंगे। हम यही कहेंगे दोस्तों, जो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीका से, इस तरह से इसका जो भी और भी क्वेश्चन है और अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए, अपने किताब से, बुक से, जो भी है जहां से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर कहीं जब प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहीं उलझते हैं तो उनको आप हमको वो क्वेश्चन कॉमेंट कीजिए, हम उनका आपको सोल्यूशन देंगे। और साथ ही इस वीडियो को आप लाइक एकदम जरूर कीजिएगा, एकदम इसमें सोचना नहीं है। उसके बाद अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, किसी को कहीं जो है कंफ्यूजन हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये क्लास सिक्स है वो यहीं तक रहेगा। हम मिलेंगे अगले क्लास में, यानी क्लास सेवन में। तब तक के लिए धन्यवाद।